वेलकम बैक टू माय अदर न्यू व्लॉग। मैं लेके आ चुका एक और न्यू व्लॉग। और गाइस अभी हम घूमने निकले हैं ऋषिकेश या हर की पौड़ी, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ। और ये हमारे नूब ड्राइवर हमारे यहाँ पर साइड में बैठे हैं और पीछे हमारी पब्लिक जनता बैठी हुई है। पब्लिक जनता नहीं, माँ बहन है भाभी पब्लिक बैठी हुई है पीछे हमारी। तो गाइस अभी हम बस आगे घूमने जा रहे हैं और पीछे का सीन बहुत ज़्यादा एकदम नेक्स्ट लेवल हो रहा है। एंड गाइस बस अभी देखते हैं हम कहाँ कहाँ घूमते हैं। भाई घुमाना तो इसके हाथ में है, ये जहाँ भी लेके जाएगा ये लेके जाएगा। तो गाइस बस आगे का व्यू दिखाता हूँ। जंगल सफारी करते हुए यहाँ पे हरिद्वार के अंदर। भाई रात को क्या सीन चल रहा है ना भाई, वो देखो पूरी लाइटिंग वाइटिंग ना, वो पूरी मनसा देवी की है। और अगर आपको रात में घूमना हो ना भाई हरिद्वार को, भाई व्हाट अ व्यू यार, व्हाट अ व्यू, मतलब एकदम भाई। हमने तो यहाँ पे अपनी गाड़ी पार कर दी है। एंड गाइस हम यहाँ पे आ गए हैं, कहाँ पे हम आ गए, हर की पौड़ी पे। हाँ हर की पौड़ी पे भाई, ये मेरे को लोग चेक भाई खुले हुए सारे, तूने बंद नहीं करे। सो गाइस अब देख रहे हो अभी हमें पैदल चलना है, पैदल चलने का बहुत दूर तक रास्ता है। एंड गाइस पीछे सब जा रहे हैं हमारे पूरे फैमिली मेंबर। भाई सामने का व्यू भाई साहब, ये देखो पूरे यहाँ पे मार्केट सजा हुआ है भाई। ये 24 घंटे 24x7 लगा रहता है। और यहाँ पे देखिए जो भी आपको कुछ खरीदना हो गंगा मैया से रिलेटेड। ये देखो छोटू ब्लॉगर हमारे साथ चलते हुए। और ताई ताई बिल्कुल स्टाइल में चल रही है भाई साहब, क्या बात है ताई, ताई ने मौज कर दी है, ताई में पूरा घूमने का लग रहा। गाइस ये एंट्रेंस गेट है देखो हर की पौड़ी का, ये बहुत लंबा रास्ता है, जो कार से आएगा वो यहाँ से आएगा। ओह माय गुडनेस गाइस, इट्स एन व्यू जिसके लिए सब तरसते हैं भाई, बड़े बड़े एक्टर से लेके हीरो सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स पर्सन सब भाई, बड़ा खतरनाक व्यू आ रहा है, भयंकर जहर जिसे बोल सकते हो भाई, नेक्स्ट लेवल। ओ भाई नेक्स्ट लेवल। और ये आगे जाते हुए हमारे सब फैमिली मेंबर्स सब आगे चले जा रहे हैं जल्दी पर वो व्यू का मजा नहीं ले रहे यार, रुक के मुझे बिल्कुल बहुत इससे खेद है। चले जा रहे हैं यहाँ पे, कुछ हमें पता ही नहीं चल रहा। और हम दोनों तो यहाँ पे चल रहे, और पीछे जा पीछे देखो वहाँ पे भाई वो देखो कितने भागे जा रहे हैं, बहुत तेज भागे जा रहे भाई। हम दोनों तो भयंकर आराम से एक एक व्यू का मजे लेते जा रहे, और वो भयंकर सीधे सीधे भागे जा रहे। और पीछे देखो मार्केट कितना बड़ा है। अरे भाई साहब होटल की लाइटनिंग को देख रहे हो भाई, किस तरीके से आप इन्होंने डिजाइनिंग की हुई है, किस तरीके से इन्होंने बिल्कुल लाइट को भाई सिलेक्ट किया हुआ है भाई इसे। व्हाट अ व्यू गाइस, व्हाट अ व्यू, एक एक व्यू के मतलब यहाँ पे पैसे हैं गाइस, एक एक व्यू के पैसे हैं जो हमें फ्री में देखने को मिलता है हरिद्वार वासियों को। ताई जी तो धीरे धीरे अपने पैर को आगे बढ़ाती हुई, कदमों को आगे बढ़ाती हुई, और ये सारे चुपचाप होके चल यार, पता नहीं मुझे सोचा पता नहीं कहाँ आ रहे, मैं भी नहीं बोल पा रहा चक्कर में, सब यार कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा फिर मैं भी क्या बोलूं। इसीलिए गाइस बाकी तो देखो कितने शांत होके आ रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। और भाई हम ब्रह्मकुंड में आ चुके हैं मेन, तो आपको मैंने पहले भी दिखाया था और आज भी दिखा देता हूँ भाई अच्छे से। ब्रह्मकुंड का नाइट व्यू भाई साहब क्या सेट व्यू है ना। ये देखो यहाँ पर फोटो शूट का कार्यक्रम चलता हुआ, बताई जी शर्माती हुई उधर, और ये छोटू ब्लॉगर भी शर्माता हुआ। और ये देखो कपल फोटो खींची जा रही है भाई यहाँ पे। अबे यार बिल्कुल डार्क आ रहा है मेरे उसमें तो। गाइस हम मेन ब्रह्मकुंड में जा रहे हैं, यहाँ पर दोनों को डुबकी लगाने, दोनों कपल्स को यहाँ पर डुबकी लगाने जा रहे हैं। और ताई को तो भाई ताई को तो बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे, एक घंटे देखने ताई, एक घंटे में ना वहाँ पर डुबकी लगा आगे और सामने देख लो ताई बिल्कुल। हाँ हाँ गाइस ताई चुप है बिल्कुल यार, गाइस ताई बोल नहीं पा रही, कैमरे के सामने ताई शर्मा रही है, शर्मा गई क्या, और ये ताई हमारी आ गई क्या, ताई है भाई अल्लाह वाली, किसी और को ताई मत समझे ना, ठीक है गाइस। ये देखो फर्स्ट टाइम हमारे ईशु भांजे को यहाँ पे इसे गंगा मैया से पानी से स्पर्श कराते हुए, और ये कितना ज्यादा यार बच्चे कितने ज्यादा क्यूट होते हैं ना, कितने ज्यादा नादान होते हैं गाइस, ये देख रहे हो वो कितना ज्यादा खेल रहा है, पर इसे अरे इसे ध्यान से गाइस अभी तो हम मार्केट में जा रहे हैं क्योंकि मार्केट का भी सीन बहुत अच्छा है। और गाइस
हर की पौड़ी आए और मार्केट ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। और गाइस आज बहुत थकान हो रही है, बट कोई बात नहीं, रिवाइटलाइज खाओ और आप मेरा सब ब्लॉग देख पाओ। आप सपोर्ट करो यार, बस अच्छे से सपोर्ट करो। मैं कोई दिक्कत नहीं, थकान नहीं मानते गाइस, हम थकान का कोई सीन ही नहीं है गाइस। आप सपोर्ट करोगे तो सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। बाकी भगवान जी भी हमारे साथ हैं और फैमिली मेम्बर्स चाहिए, फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ बिल्कुल, उनका सपोर्ट बढ़िया है। और भाई क्या क्या भाई, सामने से भी हो रहा है, यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है, पी 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 ऐसे चल रहा है, पूरा पैर रखने तक की जगह नहीं है गाइस यहाँ पे। ये वाला है मेन बाजार है, जिसे बोलते हैं मोती बाजार। ये मुझे नहीं पता था गाइस, मैं आपको बिल्कुल जेन्युइनली बताऊंगा। मैंने अपनी दीदी से पूछा है, इन्होंने बताया मेरे को ये मोती बाजार है, मैं हरिद्वार में रह के मुझे नाम नहीं पता था, बट कोई बात नहीं है। यहाँ पे तो देखो ताई जी का तो पूरा पेट्रोल निकल चुका है, ताई चल चल के बिल्कुल थक गए भाई। ताई भी कह रही भाई यार कहीं तो रोक लो, गोद इधर नहीं गई, गोद में नहीं, फिर चड्डी उठा लूंगा, पिट्ठू जिसे बोलते हैं ना पिट्ठू, वो उठा सकते हैं गाइस, और ये भी उठा लेगा, दोनों उठा लेंगे भाई, थोड़ा आधे रास्ते में आधे रास्ते में। ये मार्केट गाइस, भाई साहब ये मार्केट बहुत ज्यादा मतलब एक्सपेंसिव मार्केट है जिसे आप बोल सकते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे दिखने के लिए बहुत ज्यादा सब कुछ मिल जाएगा बट खरीदने लायक नहीं है। खरीदने लायक तो यहाँ पे ज्वालापुरी है भाई, वो मार्केट बहुत मार्केट अच्छा है, वो भी आपको दिखा देंगे। और बाकी आप ये एंजॉय कीजिए, कितनी प्यारी मालाएं लग रही है ना गाइस, आर्टिफिशियल है बट सारी कितनी ओपी भाई, बहुत हार्ड लग रही है। जहाँ पे तीन औरतें खड़ी हुई वहाँ पे खरीदने का सिस्टम चालू, यहाँ पे कड़े और ये सब खरीदने का सिस्टम चालू होता हुआ भाई। ये देखो तीनों की तीनों यहाँ पे बहुत तगड़ी, एक से बढ़कर एक हार्ड बार्गेनर है भाई। भाई मतलब दुकानदार को लूटने के लिए तैयार यहाँ पे, दुकानदार भी लाइक भाई प्लीज मुझे छोड़ दो। यहाँ पे एक दुकान से दूसरी दुकान आवन जावन लगा हुआ है, बट खरीदा कुछ नहीं है भाई, पता नहीं यार क्या करना चाह रहे भाई। और तो कसीम समझ नहीं आता, मुझे तो समझ आता, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता, और इसकी भी समझ नहीं आता, ये भी बेचारा क्या करे यार, अब प्यार किया और शादी की तो अब तो सहना तो पड़ेगा ना, है सहना पड़ेगा, और भाई यही लाइफ है। यहाँ पे अभी पेट पूजा का सीन चलता हुआ, तो फाइनली हमने ए वाला रेस्टोरेंट सेलेक्ट कर लिया खाने के लिए, और ताई के पेट में चूहे दौड़ रहे थे, इसलिए ताई के पेट में चूहे दौड़ रहे थे, तो ताई ने कहा मुझे चाहिए जल्दी खाना, तो फिर बस होनी भाई ने यहाँ पे रुकवा दिया। और गाइज अभी तो हम दोबारा अपनी गाड़ी के पास जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत महंगा है, तो इसीलिए कहीं पे बाहर जाके हम खाना खाएंगे, डिनर करेंगे। बाकी तो हम चलते हैं गाइज, अब बहुत जल्दी भागते हैं, जल्दी जल्दी चल गए। ये देखो कितने यार, कितनी अच्छी स्टैचू लगा रखी है ना सुभाष चंद्र बोस जी की भाई, बिल्कुल परफेक्ट जगह पे लगाई है भाई, इसे देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो इसलिए बिल्कुल परफेक्टली जगह पे लगाई गई है, महादेव जी की नगरी पे और मेनली हर की पौड़ी पे। चंपी चल रही है, चंपी चंपी चंदन की भाई, ये देखो मसाजिंग खतरनाक लावली, नेक्स्ट लेवल मसाजिंग भाई, और इन सब से पूछो भाई, ये इनका कोई घर नहीं होता, और ये देखो ऐसे ही सोते रहते यार, यार बहुत ज़्यादा दुख होता है यार, ऐसे भी लोग हैं जीवन में यार, कई लिटरली जीवन में बहुत दुख होता है कि यार ऐसे भी लोग हैं यार कि इनका कोई अपना घर नहीं है और बस ऐसे फुटपाथ पे सो रहे हैं यार। देखो ये भी देखो यहाँ पे देख रहे हो भाई, यार ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार, और ऐसे लोगों की हेल्प करने का मन करता है। तो गाइस यार जीवन में हेल्प तो करनी है भाई, इन सब चीज़ों के लिए मैं पीछे नहीं हटा जाता, हमेशा हेल्प करना चाहता हूँ मैं जीवन में सबकी, ये मेरा मतलब नेचर है, और मुझे इस नेचर में बहुत खुशी होती है कि यार सबकी हेल्प करने से, देखो आप दूसरों की हेल्प करोगे तो आपको भी कहीं ना कहीं से हेल्प मिलेगी, तो गाइस आप भी हेल्पफुल नेचर बनाएं और आप सबको हेल्प कीजिए। ये पूरा ऐसे इस ऐसी रोड पर तो भाई परमानेंट चलते भी रहो ना भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अंडर लाइट्स और ट्रीज की शेडोज में भाई कितना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो गाइस हम वापस लौट के आ चुके हैं 5-6 किलोमीटर की पथ यात्रा से, जो कि हमारे बोनी भाई ने नूब ड्राइवर ने हमारे से कराई है, और सबकी हालत बिल्कुल एकदम पेट्रोल निकल चुका है सबका, पॉपट बन चुका है गाइस, और बस अभी हम कुछ खाने पीने के लिए जो भी इंतजाम होगा वो हम देख रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट, बाकी वहाँ पे हमने देखा था वो बहुत महंगा था भाई, लूट रहे थे बिल्कुल, तो बस हम चलते हैं और बस वहीं पे मिलते हैं, बाय बाय। मशक्कत करने के बाद हमें ढाबा मिल गया, अमृतसरी वैष्णो पंजाबी ढाबा, भाई बड़े बोल रहा था कि बोनी की यहाँ पे बहुत अच्छा है, तो भाई अभी ये लेके आ गए, तो चलो यहाँ पे अब भरपूर पेट पूजा करते हैं हम गाइस। गाइस यहाँ पे हमारा खाना सिलेक्ट होता हुआ, ये बोनी सिलेक्ट करता हुआ कि क्या लेके आना है, भाई भैया भैया हमारा ऑर्डर लिखते हुए, बाकी कोई नहीं बता पा रहा था तो इसलिए बोनी सिलेक्ट कर रहा है। ये देखो भाई वाह 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 सुभान अल्लाह, और बोलते जाओ। देखिए हमारी सब्जी आ गई जो ऑर्डर की हुई है,
ये मिक्स वेज और बाकी का मेरे को भी नहीं पता, बस देख सकते हो आप, मुझे बताना कमेंट करके, मैं तो दिखा रहा हूँ। बाकी यहाँ पे मेन का सीन चल रहा है, सबकी थालियों में, मैं अपनी थाली में पूरा भरवा लूंगा ऊपर तक। मैं तो यहाँ पे खाना खा रहा था देखो, और भाई सामने अंग्रेज बैठा है भाई, अंग्रेज दिखाता हूँ, अंग्रेज नहीं दिखाता हूँ आपको भाई बिल्कुल अंग्रेज नहीं तो दूर से देखना चाहती है तो आपको दिखाता हूँ भाई। अंग्रेज नहीं बैठी है भाई साहब, अपना खाना ऑर्डर करती हुई, भाई कैसी लग रही है? और ये देखो खाना खाना चल रहा है और बाकी देख रहे हो भाई, लड़की कम लड़का ज्यादा लग रहा है भाई ये, अभी कमेंट करके बताना आपको लड़की लग रही है लड़का लग रहा है। सो गाइस हम तो घर पहुंच चुके हैं, एंड गाइस वहां देखो हत्ती लगा के ये शटर ऊपर किया जाएगा, एंड ये देखो बलिनो को हम अंदर कर देंगे, और गाइस बस फिर हम घर चलते हैं। होप करता हूं आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगता होगा, और गाइस अगर आपको अच्छा व्लॉग लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड गाइस इस व्लॉग को तो मैं क्योंकि यहीं पर एंड करता हूं, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल ट्रैवल व्लॉग है, पूरा फैमिली के साथ ट्रैवल व्लॉग था, ताई जी भाभी जी और क्या बोलते हैं दीदी के साथ, और भाई तो अपना शटर डाउन कर रहा है। और गाइस बस मेरी तरफ से आप सभी को राम राम जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।